नमस्कार, बोलते तारे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिंदू पंचांग के अनुसार चार बार नवरात्रे होते हैं। वर्तमान समय में माघ मास चल रहा है, जिसमें माँ गुप्त नवरात्रि व्रत रखा जाता है, जिसकी शुरुआत 12 जनवरी से ही हो जाएगी। माँ गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, जिसमें तारा देवी, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, चिन्नमस्ता, त्रिपुरा भैरवी, धुमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की आराधना की जाती है। इस वर्ष गुप्त नवरात्र व्रत का शुभारंभ सिद्धि योग में होगा, जिसके कारण से गुप्त नवरात्रि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं शुभ योग, कल स्थापना का समय और माँ गुप्त नवरात्र के नियम। सबसे पहले बात करेंगे माँ गुप्त नवरात्रि के क्या कुछ शुभ मुहूर्त है। गुप्त नवरात्रि का शुभ योग सुबह 10:07 से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:41 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस योग में पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सर्वाधिक लाभ मिलता है। वही कल स्थापना 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:10 से 12:54 के बीच किए जाने का विधान है। अब चलिए आपको बताती हूँ माँ गुप्त नवरात्रि के क्या कुछ नियम है। गुप्त नवरात्रि में उपासकों को कुछ विशेष नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस अवधि में तंत्र साधन करेंगे, उन्हें पूर्ण नवरात्रि में जमीन पर सोना चाहिए। साथ ही उन्हें ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। माँ गुप्त नवरात्रि की अवधि में क्षमा और दया भाव मन में होना चाहिए और काम एवं क्रोध को त्याग कर पूजा पाठ करनी चाहिए। माँ भगवती की पूजा के समय देवी माँ को रोली, लाल चंदन, लाल वस्त्र, लाल साड़ी, आभूषण और श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। गुप्त नवरात्रि में शुभ योग के बाद अब राशिफल की बात करते हैं और शुरुआत मेष राशि के साथ करते हैं। जीवन साथी से कहासुनी की नौबत आ सकती है। बिजनेस में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बिजनेस पार्टनर से भी बातचीत बिगड़ सकती है। सप्ताह के बीच में मानसिक तनाव आप पर हावी रहेगी। खर्च बहुत ज्यादा होंगे। इन्वेस्टमेंट करना नुकसानदायक रहेगा। मेष के बाद वृष राशि की बात करते हैं। दिन की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी। मानसिक तनाव के साथ खर्चे और विरोधी दोनों ही परेशान करेंगे। करियर को लेकर थोड़ी चिंता महसूस होगी। सप्ताह के बीच में घर परिवार में सुख मिलेगा। जीवन साथी का सपोर्ट भी साथ में होगा। बिजनेस के लिए अच्छा समय है। नया बिजनेस शुरू करने से अभी बचे। और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अब कैसा दिन रहेगा ये जान लेते हैं। मन परेशान रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इधर उधर की बातें ध्यान खींचेगी। लव लाइफ के लिए परेशानी वाला समय है। अपने लवर से झगड़ा हो सकता है। गुस्से में आकर कोई काम ना करे, बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिनों में अच्छी सफलताएं मिलेंगी। घर परिवार का सहयोग मिलेगा। खर्चों में भी कमी आएगी। और मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। पारिवारिक चिंताओं को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उस पर नजर बनाए रखें। नौकरी में आराम तलबी भी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा काम पर भी ध्यान देना होगा। व्यापार में सफलता मिलने की संभावना है। संतान की खुशी मिलेगी। स्टूडेंट्स पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इनकम बढ़ेगी। खर्चों में भी कमी आएगी। रुका हुआ कोई काम पूरा हो सकता है। कर के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना नुकसानदायक रहेगा। उनमें से कोई दोस्त गलत संगति का होने से आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। फिजूल खर्ची से बचकर रहे। अचल संपत्ति खरीदने का प्रयास करें। करियर के लिए बढ़िया समय होगा। नौकरी और बिजनेस दोनों में ही अच्छी सफलता मिल सकती है। स्टूडेंट के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा। और अब कन्या राशि की बात करते हैं। घर परिवार की टेंशन थोड़ी परेशानी देगी। धन के आवक को लेकर परेशानी महसूस करेंगे। मनचाही इच्छा पूर्ति होने में बाधा होने से कुछ निराशा हो सकती है। सप्ताह के बीच में दोस्तों की सपोर्ट से कामों में सफलता मिलेगी। मन में चल रहे तनाव में कमी आएगी। और चलिए कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। सेहत में गिरावट होने से मन अशांत रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव दिखाई देगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंतित रहेंगे। सप्ताह के बीच में अच्छी इनकम होने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। किसी अच्छी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑफिस में कोई इंसेंटिव मिल सकता है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। भाई बहनों का सपोर्ट भी साथ में रहेगा। और अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। खर्चों में तेजी रहेगी। फिजूल खर्ची होने से महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं। विदेश जाने का सौभाग्य मिल सकता है। ऑफिस में विरोधी टांग खींचने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। सप्ताह के बीच में सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। आपसी संबंध मजबूत होंगे। बिजनेस में भी अच्छे गठबंधन के योग बनेंगे। वृश्चिक के बाद धनुराशि की बात करते हैं।
दिन की शुरुआत बढ़िया रहेगी, खर्चों में कमी और इनकम में तेजी होने से सारे अच्छे काम करने लगेंगे, रुके हुए काम भी तेजी से होंगे। लव लाइफ के लिए समय अच्छा रहेगा, रोमांस के योग बनेंगे। लवर के लिए कुछ बढ़िया एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद सकते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई में कुछ परेशानी महसूस करेंगे। और अब मकर राशि की बात करते हैं। करियर को लेकर थोड़ी चिंता में रहेंगे, काम पर फोकस करने में समस्या होगी, पारिवारिक गतिविधि भी ध्यान खींचेगी, परिवार में किसी सदस्य की सेहत चिंता देगी। सप्ताह के बीच में इनकम बढ़ेगा, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में खर्चों में तेजी आएगी, विरोधी परेशान करेंगे और विदेश यात्रा के योग बनेंगे। चलिए अब कुंभ राशि की बात करते हैं। संघर्ष और मेहनत के बाद ही काम बनेगी, धीरे धीरे काम करने लगेंगे जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लौटेगा। खर्च बहुत ज़्यादा रहेगा, इनकम ठीक ठाक होगी, परिवार में खुशी के काम होंगे, किसी की शादी हो सकती है, जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में समय आपके पक्ष में रहेगा, नई प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता मिलेगी, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा समय है। और अब बात अंतिम राशि मीन की करते हैं। मानसिक तनाव रहेगा, ससुराल के लोगों को लेकर कहासुनी हो सकती है, धन हानि के योग बनेंगे, लंबी ट्रैवलिंग से बेनिफिट मिलने की संभावना बढ़ेगी, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, नौकरी में तबादले के योग बनेंगे। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।